वेरी गुड इवनिंग माई डियर स्टूडेंट्स। नाउ लास्ट टाइम पे जैसा कि हम जानते हैं, हम ट्वेल्थ के फिजिक्स की बात कर रहे हैं। इस टाइम पे आपसे मैं आप इंटरेक्ट हो रहा हूँ ट्वेल्थ के फिजिक्स के साथ। और लास्ट टाइम पे हमने बात की थी सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेज, और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट? सो बिफोर वी प्रोसीड, देन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल and like the videos, right? So the first thing we will discuss here today is electric field line. पहले हम electric field की बात करेंगे, फिर lines, तो फिर हम electric field intensity की बात करेंगे, right? देखिए, what is electric field? विद्युत क्षेत्र। Suppose this is a charge we have, कोई एक चार्ज है हमारे पास plus q. सो इस चार्ज के चारों ओर एक ऐसा रीजन होगा कि अगर हम कोई दूसरा चार्ज, मान लो क्यू जीरो नाम से दे देते हैं, इस चार्ज को अगर हम यहां लाएं, क्या करें, ब्रिंग करें। सो यहां पे जब ये चार्ज आएगा तो ये जो चार्ज है ये इसके कारण अपने ऊपर क्या करेगा, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। कौन सा? ये। जब हम किसी एक चार्ज को दूसरे चार्ज के क्षेत्र में लाते हैं, जब हम किसी एक चार्ज को दूसरे चार्ज की फील्ड में लेकर आते हैं, तो उस चार्ज पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस होता है। तो जिस रीजन तक ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उस रीजन को क्या बोलता जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच द इन्फ्लुएंस और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज पार्टिकल। समझ लीजिए फिर से, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर फोर्स सॉरी अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, राइट? So, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम या ज्यादा दोनों होती है, ये याद रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे दूर चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये लगातार चार्ज से जैसे जैसे दूर चलेंगे तो ये लगातार डिक्रीज होगा, राइट? अब हम बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बताता हूँ। जब भी कोई चार्ज आप रखते हैं, सपोज प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, लाइक दिस वन, ये बाहर की ओर होगा, ठीक, लाइक दिस, क्लियर है, ठीक। तो दिस इज व्हाट, ये आपका प्लस के लिए हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ऐसे ही जब आप माइनस के लिए बात करेंगे, इमेजिनरी लाइन्स हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टेंजेंट प्लॉट किया जाए तो वो उसके फोर्स की डायरेक्शन बताते हैं। अभी जैसे ये क्या हो जाएगा, ये अंदर की ओर हो जाएगा, लाइक दिस वन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इन्हें आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं, राइट? इसके बाद बात आती है एक टेस्ट चार्ज की और दूसरा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। नाउ टेस्ट चार्ज क्या है, जिसको हम क्यू जीरो दिखाते हैं। बेसिकली जब हम डेरिवेशंस की बात करते हैं यहां पर, और अभी आप आगे बहुत सारे डेरिवेशंस देखेंगे मेरे साथ, तो उस डेरिवेशन में हमें क्या करना है, कोई एक चार्ज है जिसके बारे में हमें एग्जामिन करना है, तो एग्जामिन करने के लिए हम एक दूसरा टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं जिसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। क्या क्वालिटीज होती हैं? इसकी क्वालिटी नंबर एक ये है कि इट शुड बी नेग्लिजिबल पॉइंट चार्ज, नेग्लिजिबल पॉइंट चार्ज, इसको पॉजिटिव कह लीजिएगा, फिलहाल हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। दो, सेकेंड, इट शुड नॉट
it should not affect the charge. बेसिकली यही रीजन है कि ये जब हम पॉजिटिव चार्ज जो एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट का लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि ये उस चार्ज की फील्ड पर कोई इफेक्ट ना डाल सके जिस चार्ज के फील्ड में इसको हम ले जाते हैं. क्योंकि अगर फील्ड वेरिएट करेगी तो हमारे कैलकुलेशंस वेरी कर जाएंगे, राइट. सो हमें केवल इफेक्ट मेजर करने हैं कि एग्जिस्टिंग चार्ज के कारण क्या इफेक्ट हमें मिल रहा है. इस चीज़ को जानने के लिए हम हमेशा एक टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड में लेकर जाते हैं, और उस टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा. उसका नेग्लिजिबल कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिससे कि वो मेन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड्स के साथ क्या करे, ये म्यूचुअल इंड्यूस्ड ना हो, अन्योन ये एक्शन ना ले जिससे इफेक्ट ना हो, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे. अब हम देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते क्या है. इंटेंसिटी का मतलब होता है कम या ज़्यादा, ठीक है. इंटेंसिटी का मतलब क्या है, कम या ज़्यादा. जब भी आप किसी चार्ज के पास होते हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जब आप उस चार्ज से थोड़ा सा दूर जाते हैं तो आपको कम फोर्स एक्सपीरियंस होता है, राइट. तो ये जो फील्ड आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कम या ज़्यादा, ये क्यों हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, बेसिकली देखिए द अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अपॉन द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज पार्टिकल, दैट इज कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. मतलब कहने का, सपोज ये आपके पास कोई एक चार्ज है क्यू, और ये कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल है जो हम इसकी फील्ड में लेकर आ रहे हैं, क्यू चार्ज के बीच की डिस्टेंस है आर. तो अगर हम बात करें तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा, ये फोर्स ये हमारा टेस्ट चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है अपने ऊपर. नाउ इसके बाद सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, इसको हम ई से दिखाते हैं, इज इक्वल टू ये होगा एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है. ये याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एफ अपॉन क्यू नॉट न्यूटन पर कूलम, राइट. ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी डेरिवेशन नहीं याद आता, लेकिन बेसिक फार्मूला याद रहेगा तो आप डेरिवेशन तक पहुंच सकते हैं. नाउ इसका मतलब हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट आर स्क्वायर, राइट. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हो गया एफ, और अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो हमें ई का वैल्यू मिल जाएगा. ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, राइट. चलिए इसके बाद यहां पर हम आगे देखेंगे, इसी में डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. डायमेंशन क्या होता है, बेसिकली जब हम इनकी फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो स्टैंडर्ड नेम्स हैं, जैसे मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसे कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन. तो डायमेंशन ऑफ ई
इज इक्वल टू होगा क्या, डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ क्यू। ठीक, नाउ अब ध्यान से देखिए, डायमेंशन ऑफ एफ आप सभी को पता है एम एल टी माइनस टू, ये डायमेंशन होता है किसका, फोर्स का होता है, अपॉन डायमेंशन ऑफ क्यू। क्यू क्या है बेसिकली बेटा, देखिए चार्ज है, मैं आपको साइड में देख लेता हूं, आई बराबर हमें पता है क्यू अपॉन टी, या क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। तो अगर डायमेंशन की बात करें तो आई का डायमेंशन होता है ए, टाइम का डायमेंशन होता है टी, तो ये हो जाएगा किसका डायमेंशन, क्यू का। ए फॉर क्या है, एम्पियर। ठीक है, आई की डायमेंशन क्या होती है, ए एम्पियर, टाइम टी, टी का एम्पियर टी टाइम, तो ये हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, ये ऊपर जाएगा ए टी माइनस वन, ये हो जाएगा एम एल टी, देखिए माइनस टू यहाँ पर है, माइनस वन यहाँ पे, माइनस थ्री ए माइनस वन, तो ये डायमेंशन ऑफ ई हो गया आपका, राइट। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ई। यहाँ तक आप इसको पढ़ें, डिस्कस करें, फिर हम अपने अगले वीडियो में इसके आगे के कंटेंट को लेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।